अब हम मेन बात करते हैं जिस वजह से मैंने वीडियो बनाई है। इस वीडियो बनाने का यही कारण था कि मैं, और इसके बाद अगर हम बात करें इस स्पीकर के प्राइस की, तो मैंने व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। होप करता हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक हो। और आज की वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इस बोट के वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर की, जिसका नाम है बोट रग्बी। और आज आपको अपना मैं एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मैं अराउंड मेरे को 6 to 7 months हो चुके हैं इसको यूज़ करते हुए। आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसा बोट का ये स्पीकर है, इसकी क्वालिटी कैसी है, इसमें क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, तो आज इसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप न्यू व्यूअर हो, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ आपके सामने। तो इस तरह का इसका पहले बॉक्स है। अनबॉक्स करने से पहले आपको कोई डिटेल बता दूँ थोड़ी सी, जो बॉक्स के ऊपर हमें दी हुई है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है 10 watt फिडेलिटी साउंड। उसके बाद दूसरा में दिया हुआ है पैसिव रेडिएटर फॉर सुपर बेस। इसमें बेस सच में बहुत अच्छा है, मैं भी कई बार सोफे पे बैठ के जब इसको यूज़ किया तो बेस इसका बहुत स्ट्रांग है। उसके अलावा माइक फॉर कॉल्स, जब इसके अंदर हमें कॉल्स करने के लिए माइक है, उसका भी फीचर आपको बताऊँगा। रग्बी जो इसका नाम है स्पीकर का नाम, क्योंकि इसकी शेप रग्बी जैसी है। उसके बाद पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर, बोट की एक ब्रांडिंग दी हुई है यहाँ पे। उसके अलावा बस ये थोड़ी पीछे डिटेल्स दी हुई हैं और जो कि स्पीकर है उनके बारे में दी हुई हैं, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले अनबॉक्स करता हूँ इसको। तो इसका इस तरह का बॉक्स है, इसको यहाँ से हटाया। ओके, तो ये रहा हमारा ब्लूटूथ स्पीकर, कुछ ऐसा हमारा स्पीकर है। और उसके अलावा हमें बॉक्स के अंदर जो कुछ चीज़ें और दी हुई हैं, सबसे पहले तो इसको जो होल्ड करता है स्टैंड वो प्लास्टिक का। उसके बाद ये इसका बिल है, बिल जो अमेज़ॉन की तरफ से आता है ये वही है, तो इसका हमें कोई काम नहीं है अभी। उसके बाद हमें ये छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है, जिसके अंदर हमें एक छोटी सी केबल, ऑक्स केबल दी हुई है मेरे ख्याल से ये। और ये आपको फ़ोन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करके आप इसे गाने प्ले कर सकते हो, वो दी हुई है। उसके अलावा हमें और एक बोट का वारंटी कार्ड दिया हुआ है, जो हमेशा हर एक चीज़ के साथ आता है बोट की। उसके बाद एक यूज़र मैनुअल दी हुई है, और इसके अंदर सारी स्पेसिफिकेशंस वगैरह बोट में इसके स्पीकर के अंदर क्या क्या कहाँ पे दिया हुआ है, ये सब कुछ हमें बताया हुआ है। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम आते हैं स्पीकर की बात पर। तो अगर हम मेन स्पीकर की बात करें तो इस तरह का कुछ स्पीकर है ये बोट का। ये असल में ब्लू और ब्लैक कलर है। ब्लू जो जिसमें आप देख रहे हो लाइनिंग जो दी हुई है, इसमें रबर है जो कि स्पीकर को प्रोटेक्ट करके रखती है। इस तरह की आप देख सकते हो ऐसे, ये जो बटन्स भी हैं इसके नीचे, ये रियल बटन्स यहाँ पे हैं। इसको आप उतार भी सकते हो अगर आपका मन है तो। वैसे अगर ये लगी रहे तो ज़्यादा अच्छा, आपका स्पीकर प्रोटेक्टेड रहेगा, गिरेगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा हमें इसके अंदर एक होल्डर दिया हुआ है, ताकि हम इसको अगर कहीं जा रहे हैं, हम इसको अपने बैग के साथ साइड पे लगा के इसको ऐसे होल्ड भी कर सकते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह इसको हम होल्ड कर सकते हैं। तो बाकी इसके ऊपर बोट की एक ब्रांडिंग दी हुई है, वॉल्यूम का प्लस करने का बटन, वॉल्यूम माइनस करने का बटन, ऑन ऑफ का बटन ये रहा। उसके बाद कॉल कैंसिल करने वाला, कॉल मिलाने वाला बटन, और प्ले और पॉज का बटन भी यही है। उसके अलावा नीचे थोड़ा सा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि इनपुट 5 वोल्ट है, और वगैरह वगैरह जो भी इसकी बैटरी के बारे में लिखा हुआ है। और बस ये जो बोट ने दिया हुआ है, ठीक है। जैसे एक साइड में आपको बताया कि हमें ये होल्डर दिया हुआ है, ताकि हम बैग के साथ अपना होल्ड कर सकें स्पीकर को, या फिर कभी भी कहीं रखना हो तो वो तो आप नॉर्मल ऐसे हम रख सकते हैं। उसके ये दिया हुआ है। उसके अलावा दूसरी साइड के ऊपर हमें ये रहा हमारा माइक, जिससे हम बात करेंगे। ये छोटा सा माइक है, फोकस करता हूँ यहाँ जी। और उसके बाद ये रहा हमारा ऑक्स वाला इनपुट चार्जिंग के लिए, ये वाला पॉइंट है, इधर से चार्जिंग आपकी होती है। और ये यूएसबी टाइप ही है, सी टाइप नहीं है, क्योंकि ये 6 month ओल्ड है। और अभी मेरे ख्याल से जो रीसेंट आ रहे हैं उनमें भी सी टाइप नहीं आता नॉर्मली। तो स्पीकर को टर्न ऑन करता हूँ आपके सामने। तो ये बटन है, इसको हमें प्रेस करके रखना है इस तरह। और इसकी साउंड आनी शुरू हो गई है, साथ में वो बता रहा है डिस्कवर कर रहा है वो न्यू डिवाइस। तो इधर हम मैं इस फोन के अंदर आपको फाइंड करेंगे इसको, बोट रग्बी ये रहा। ये बोट रग्बी को क्लिक किया, पेयरिंग सक्सेसफुल, और उसने बोल दिया कि पेयरिंग सक्सेसफुल होगी। यहाँ पे लाइट भी जग रही है आप देख सकते हो, और अलाउ कर दिया हमने इसको, ठीक है। तो ये हमारा सेट हो गया। उसके अलावा आपको साउंड मैं जरूर चेक कराऊंगा इसकी एक बार। आने के लिए सबसे पहले आपको मैं नॉट बिना कॉपीराइट वाला कोई गाना प्ले करके दिखाता हूँ, क्योंकि पता लगे बाद में कॉपीराइट आया इतने, तो अभी तो इनकम भी नहीं शुरू हुई, पहले कॉपीराइट बजने आ गए। ये रहा नो कॉपीराइट वाला कोई गाना,
ये गाना को प्ले कर करता हूँ। आपको मैं पहले बता दूँ कि मेरा फोन जो है अपने फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को, और शायद वो इतना जज ना कर पाए, पर और ये बोट की खासियत है, चाहे उसका कोई हेडफोन हो या ईयरफोन हो या फिर ईयरबड्स हो या फिर कोई स्पीकर हो, उसकी साउंड क्वालिटी हमेशा ही बेस्ट रहेगी। तो यहाँ पे प्ले करता हूँ सॉन्ग और सुनो। मैं प्ले करने लगा हूं, ये हाई बेस वाला है, तो मैंने ये सॉन्ग आपके सामने प्ले किया अपने फोन से। और इसके अलावा आप यहां से कॉलिंग भी डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आप अगर कोई भी अगर यहाँ से अगर कोई भी आप नंबर मिलाओगे तो जैसे इस तरह अगर मैं नंबर मिलाया तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाती है। और इसके बाद अगर हम बात करें इस स्पीकर के प्राइस की, तो मैंने इसका बॉक्स अच्छी तरह देखा है, तो कहीं पे भी MRP मेंशन बिल्कुल भी नहीं की गई है। और अगर जो मैंने प्राइस पे खरीदा, असल में मैंने खरीदा है इसको 1299 रुपीज़ का, मतलब 1300 रुपीज़ का इसका मैंने खरीदा है। और 1300 रुपीज़ के हिसाब से इसकी क्वालिटी और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी साथ में साउंड क्वालिटी दोनों ही किसी भी स्पीकर को मात दे सकते हैं इस प्राइस रेंज के अंदर। इसका जो बोट की ऑफिशियल साइट के ऊपर भी ये अवेलेबल है सेम ही प्राइस के ऊपर, अमेजोन पर भी सेम प्राइस में अवेलेबल है। आपने अगर लेना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ नीचे। अब हम मेन बात करते हैं जिस वजह से मैंने वीडियो बनाई है, इस वीडियो बनाने का यही कारण था कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं आपको। तो इस एक्सपीरियंस में यही पता लगा है इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी, कहीं पे भी कैरी कर सकते हो, बहुत इजी है, इजी कनेक्टिविटी है, कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाएगा आपके फोन से। और अगर आपको साउंड की कितनी ज़्यादा कवर कर देगी तो ज़्यादा एरिया ये नहीं कवर कर पाएगा। बाकी अगर क्वालिटी की बात करूं, साउंड बहुत ज़्यादा क्लियर है, लोग स्पीकर लेते हैं काफ़ी चाइनीज़ वगैरह यूबॉन वगैरह के, पर वो इतने ज़्यादा क्लियर नहीं होते हैं, वो ऊंची बहुत ज़्यादा होते हैं, इससे ज़्यादा ऊंची होंगे पर वो उसके जितने क्लियर नहीं होंगे। और साउंड का मज़ा तभी है जब वो क्लियर हो। और सिर्फ यही चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी प्लीज़ डिसलाइक कर देना। और रेगुलर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ बेल आइकन को दबा देना ताकि जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज़ में डालूँ वो आपको सबसे पहले पहुँच जाए। सो थैंक यू सो मच।